जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से ट्वेल्थ या इंटरमीडिएट पास किए हैं 2024 में, उन सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज किस वीडियो के माध्यम से बताने वाले को, ट्वेल्थ पास करने के बाद अगर आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोगों को एडमिशन डेट जारी कर दिया गया है। तो आज किस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को सारे यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग डेट जारी किया गया। तो आज किस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिवर्सिटी के बारे में, आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट किया जाएगा एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सभी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिहार में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अगर कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का एडमिशन जो चालू होने वाला है किस डेट से होने वाला है, यहाँ पर डेट भी दिया गया है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बता दूं कि आप लोगों को सेशन यानी सत्र जो है 2024 से 28 होने वाला है। आप लोगों को यूज यानी पहले पार्ट वन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से उसे जाना जाएगा। और आप लोगों को इस बार जो है ग्रेजुएशन 4 साल के होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को एडमिशन किस डेट से होगा, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप किस डेट से किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए स्नातक में दाखिल के लिए अप्रैल माह से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए सभी जानकारी सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग आया है, यानी सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग डेट दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब बीआरबीयू विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट वन के लिए पहले सेमेस्टर में दाखिल लेने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। यानी यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि बीआरबीयू यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। लेकिन आगे आप लोगों को बता, अगर आप लोग बिहार के अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, बी एन मंडल यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, इसके बाद जेपी यूनिवर्सिटी हो या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, यानी बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर और कोई यूनिवर्सिटी हो तो आप लोगों को एक साथ ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग डेट जारी किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद क्या दिया गया है, बीबी के डीएसडब्ल्यू अभय कुमार सिंह ने आप लोगों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है एडमिशन के लिए आप लोगों को शुरू कर दिया जाएगा, जो कि यहां पर आप लोगों को साफ साफ दिया गया है। साथ में यहां पर आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह में ही आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। तो अप्रैल माह में कब से, तो 5 से लेकर 7 अप्रैल के बीच में आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा एडमिशन के लिए। अब बहुत स्टूडेंट का सवाल है कि अदर यूनिवर्सिटी में कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए मैं बारी बारी से सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को बिहार में कौन सा सरकारी कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में गलती से भी अगर एडमिशन ले लेते हैं, तो आप लोगों को कोई भी मान्यता नहीं मिलेगा उस डिग्री को। इसलिए आप लोगों को सभी स्टूडेंट को आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन करवाना है। तो आप लोगों को कैसे पता करना है कि आपको यूनिवर्सिटी में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट, तो उस पर आप लोगों को प्रॉपर सारे वीडियो मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को यह भी वीडियो बनाकर बताया जाएगा कि आप लोगों को आपके यूनिवर्सिटी में कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा सरकारी है, साथ में एडमिशन में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस प्रकार से आप लोगों को एडमिशन होगा, तो सारी जानकारी इस चैनल के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को पटना बीबी में 18 अप्रैल तो वही पीपीओ में 2 मई से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा यानी एडमिशन के लिए। उसी प्रकार अगर आप लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल, जेपी यूनिवर्सिटी, मुंगेर, मगध या आप लोगों को बीकेएसयू यूनिवर्सिटी है, तो सारे यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद देख लीजिए राजभवन ने सभी विश्वविद्यालय को सही समय पर नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को राजभवन में आप लोगों को साफ साफ बता दिया गया बिहार का तमाम यूनिवर्सिटी को कि आप लोगों को समय पर आप लोगों का नया सत्र के लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन को स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय तथा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए नए सत्र यानी 24 से 25 यानी आप लोगों को एडमिशन 24 से 25 के बीच में होने वाला, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। उसके लिए देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए पाटलिपुत्र पीपीयू नए सत्र अंडर ग्रेजुएट यूजी 24 से 28 सेशन के लिए आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर एडमिशन डेट जो है जारी कर दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एडमिशन डेट जो है 2 मई से आप लोगों को शुरू कर दिया जाएगा। वही देख लीजिए आप लोगों को इसमें नामांकन देख लीजिए आप लोगों को 30 जून से आप लोगों को नामांकन की प्रक्रिया इसमें खत्म कर दिया जाएगा, यानी आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन होने के बाद एडमिशन भी जो है आप लोगों को 30 जून तक एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कर लिया जाएगा, यानी इससे पहले सारे काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके बाद
क्या दिया गया देख लीजिए। उसके बाद 30 जून से नामांकन की प्रक्रिया खत्म करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है 30 जून से भी शुरू कर दिया जाएगा, यानी पार्ट वन का एडमिशन जो होगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 30 जून से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को बारी बारी से बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, बीएन मंडल की बात करें तो आप लोगों को अप्रैल से लेकर मई के बीच में आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर में मैं बता दिया हूँ कि अप्रैल के पहला सप्ताह मानी 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद देख लीजिए जेपी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को मई में आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए 24 से 28 सेशन के लिए। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आप लोगों को अप्रैल से मई के बीच में इसका भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार मगध यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप लोगों का इसका भी मई में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए अगला मौलाना मजरुल हक अरबी एंड फारसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों का इसका भी मई में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। वही मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले को अप्रैल में ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। वही नालंदा ओपन वाले को आप लोगों को अप्रैल में ही ऑनलाइन आवेदन होगा। वही उसी प्रकार देख लीजिए आप लोगों को पाटलिपुत्रा में 2 मई से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दिया हूं। उसी प्रकार पटना में 18 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन होगा। वही पूर्णिया में आप लोगों को पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले को भी अप्रैल से मई के बीच में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। उसी प्रकार तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को मई महीना में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। वही वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी वाले को भी मई महीना में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया हूँ कि कब से किस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। अब जो है आप लोगों को इस चैनल के द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन प्राइवेट कॉलेज है। तो सारे यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आप लोगों को सारे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में ऑनलाइन आवेदन में एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर भी जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता दियो। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।